तो दोस्तों, हम ये आज इस वीडियो में देखने वाले गुजरात के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, गुजरात जो कि व्यापारियों का राज्य माना जाता है, व्यापारियों का स्टेट माना जाता है, एक बिजनेस स्टेट माना जाता है, तो गुजरात राज्य जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री और पोर्ट काफ़ी संख्या में मौजूद है। और उसी के चलते गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं। और ये गुजरात स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल और इंडिया लेवल पे काफ़ी बड़ा एक अपना वर्चस्व दिखाते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट गुजरात के लिए होने वाले हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं दोस्तों। तो ये पहला पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव और एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट में से एक है दोस्तों, तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो दिल्ली टू मुंबई, मतलब दिल्ली और फाइनेंशियल हब मुंबई से ये कनेक्ट करने वाला है दोस्तों, और बीच में गुजरात एक स्टेट भी कनेक्ट होने वाला है, तो जो इंडस्ट्रियल के ये ट्रांसपोर्ट में बहुत इजी कर देने वाला है दोस्तों। गुजरात के कुछ मेजर सिटीज़ को भी ये कनेक्ट करने वाला है, जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, अंकलेश्वर और भरूच। ये 565 किलोमीटर का पास होकर जाएगा दोस्तों, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क और फूड पार्क। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की वजह से गुजरात में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है, और ये काफ़ी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट माना जा रहा है गुजरात के लिए। तो सेकेंड प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है गिफ्ट सिटी। ये भी एक गुजरात का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है दोस्तों। गिफ्ट सिटी जो कि साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, और ये एक ऑपरेशनल सिटी है। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। गिफ्ट सिटी ये इंडिया की पहली ऑपरेशनल सिटी है। तो दोस्तों, इंडिया में काफ़ी मेगा सिटीज़ और स्मार्ट सिटीज़ बनने जा रही है, उसमें की गिफ्ट सिटीज़ ये एक ऑपरेशनल सिटी है दोस्तों। यहाँ 12,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं दोस्तों। इस सिटी को मॉडर्न तरीक़ों से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ ऑल वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरग्राउंड कर दिया गया है दोस्तों। और इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ BRTS, MRTS ऐसे काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है, और 2024 में यहाँ अहमदाबाद मेट्रो भी कनेक्ट की जाने वाली है दोस्तों। गिफ्ट सिटी ये पहला इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे खोल दिया गया है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ इंटरनेशनल कंपनी लिस्टेड हो सकती है दोस्तों। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रेडिंग सेंटर खोल दिया गया है, और जो कि BSE के अंडर भी एक आता है। तो दोस्तों, गिफ्ट सिटी जो है भारत के लिए नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे अपना पहचान बना रहे हैं दोस्तों। तो थर्ड मेगा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है सूरत डायमंड बोर्स। दोस्तों, सूरत डायमंड बोर्स ये एक सूरत में पहले से ही डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग होती है, और ये एक डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है, और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग होती है, लेकिन यहाँ डायमंड का ट्रेडिंग नहीं होता है। सूरत के ट्रेडर्स को डायमंड ट्रेडिंग के लिए मुंबई के भारत डायमंड बोर्स ये डायमंड के में जाकर ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जो कि BKC में मौजूद है। इस डायमंड बोर्स में लगभग 4,200 ऑफिस प्लान है, और इसमें के कुछ सेल भी हो चुके हैं दोस्तों। इस डायमंड बोर्स में एक यूनिक लुक देकर बनाया जा रहा है इस डायमंड बोर्स को, और भारत का नहीं तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डायमंड बोर्स होने वाला है दोस्तों, जो कि अभी भारत डायमंड बोर्स जो मुंबई के BKC में मौजूद है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड बोर्स है। और अभी सूरत का कंस्ट्रक्ट होने जाने के बाद यह सूरत डायमंड बोर्स जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड बोर्स होने वाला है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट फेज़ टू, तो फेज़ वन का काम ये कम्प्लीट होकर यहाँ बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुए दोस्तों। इसे अच्छा रिस्पांस मिलने की वजह से इसे अब साबरमती रिवरफ्रंट फेज़ टू का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। साबरमती डेवलपमेंट काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, जैसे कि जॉगिंग ट्रैक, नदी के किनारे पार्क, साइकिल ट्रैक, और साबरमती रिवर पे एक सुंदर और डिज़ाइन बेस्ड एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है दोस्तों। इस ब्रिज का काम अब काफ़ी फास्ट मोड पर है, और इसे बनाने के लिए 74 करोड़ का बजट रखा गया है दोस्तों। और जो साबरमती रिवर्स के किनारे 180 बिल्डिंग्स का प्लान रखा गया है, और यहाँ पे वो बिल्डिंग्स में ऑफिसेस, रेसिडेंशियल एरियाज ऐसे खोल दिए जाने वाले हैं दोस्तों। तो इस पूरे रिवरफ्रंट फेज़ टू का एस्टिमेटेड कॉस्ट ये 850 करोड़ बताया गया है दोस्तों। यहाँ 180 बिल्डिंग्स भी बनाए जाने वाली है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है अहमदाबाद मुंबई और अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन।
तो दोस्तों जो कि अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन के दो रूट्स कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले हैं। अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन जो कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्वाइजेशन के प्रॉब्लम आने की वजह से यह बुलेट ट्रेन रूट में अब देरी हो सकती है। तो दूसरा जो कि अहमदाबाद टू दिल्ली रूट जो कि 886 किलोमीटर प्रपोज्ड है, और दिल्ली टू अहमदाबाद के साथ साथ जयपुर एंड उदयपुर भी ये कनेक्ट करने वाला है दोस्तों। तो अहमदाबाद टू दिल्ली रूट का अब बेसिक वर्क स्टार्ट हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों रूट कंप्लीट हो जाए और अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन आ जाए दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी, जो कि धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट विजन है दोस्तों। तो दोस्तों धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि एक प्रपोज सिटी है बाय गवर्नमेंट, ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट विजन है। ये एक स्मार्ट सिटी है जिसे गवर्नमेंट बॉडीज ने डिज़ाइन किया गया है, और ये एक इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी बोली जाती है दोस्तों। और यहाँ पे इस सिटी में एक ग्रीनफील्ड सिटी बसाई जा रही है, यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाने वाली है, जो कि एक अहमदाबाद और गांधीनगर इस सब से कनेक्ट किए जाने वाली है दोस्तों। इसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब भी बनाया दिया जाने वाला है दोस्तों, और इसकी प्रक्रिया अब शुरू है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये अच्छे से परफॉर्म हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, ऑफ शोर विंड फार्म जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है, जिसे MNRE ने गुजरात के पीपानाव इस एरिया में विंड फार्म बनाए गए है। और विंड फार्म ये ज़मीन में ना होकर इसे समुंदर में पानी में बनाया जा रहा है दोस्तों। इस तरीके के विंड फार्म के कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिविटी भी होती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, जहाँ कि हमें प्राइवेट लैंड ओन नहीं करनी पड़ती है, और ये डायरेक्टली समुंदर में मतलब पानी में बनाए जा सकते हैं। पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि इसके मेंटेनेंस ज़्यादा लगते हैं, और कुछ वर्कर्स को जो विंड्स तक ले जाने में दिक्कतें आती है, ऐसे काफ़ी सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है दोस्तों। तो इस विंड फार्म कंप्लीट होने के बाद ये दुनिया के सबसे बड़े विंड फार्म में से एक होने वाले है दोस्तों। तो नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है राजकोट इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो दोस्तों राजकोट गुजरात का फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है, और यहाँ एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है, पर अब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के वन वेज और लैंड कम पड़ने की वजह से, कंजेस्टेड होने की वजह से, और यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ने की वजह से गुजरात के हिवासा एरिया में एक राजकोट से 36 किलोमीटर दूरी पर न्यू राजकोट इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है दोस्तों। और यह एयरपोर्ट सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है दोस्तों। इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट और डेवलप करने के लिए हेतु CCEA ने 14,500 करोड़ अमाउंट को अप्रूव कर दिया गया है दोस्तों। इसमें मेंटेनेंस और डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड है। इस एयरपोर्ट को 648 करोड़ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रही है और डेवलप कर रही है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम। तो दोस्तों गुजरात के गवर्नमेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बिल्ड करने का प्लान किया है, जो कि नेक्स्ट 3 to 5 years में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस म्यूजियम में 11 lakh टॉयज पूरे कंट्री से लाए जाने वाले हैं दोस्तों, और इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कॉस्ट ये ₹1,500 करोड़ होने वाली है दोस्तों। यह एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है दोस्तों, जिससे इंडिया के टॉय होममेड इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और इसमें अनोखे टॉयज रखे जाने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि एजुकेशनल, साइंस बेस्ड, हिस्ट्री एंड कल्चरल बेस्ड, ऐसे काफ़ी सारे अनोखे टॉयज यहाँ रखे जाने वाले हैं दोस्तों। जो एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है, ये यूनाइटेड स्टेट में स्थित है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम, एक यूनिक प्रोजेक्ट, गुजरात में जल्द ही कंस्ट्रक्ट हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, अहमदाबाद मेट्रो। तो दोस्तों अहमदाबाद मेट्रो की अगर बात करें, तो अहमदाबाद मेट्रो के 2 phases है, और फर्स्ट फेज की 6 kilometers की लाइन ये ऑपरेशनल है, जिससे 6 stations इंक्लूड है दोस्तों। और वेस्टर्न गाम टू अप्रैल पार्क तक ये लाइन ऑपरेशनल है दोस्तों। और फेज़ 1 की लाइन 1, जिसमें 14 kilometers अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जिसमें 14 stations इंक्लूड होकर यह ब्लू लाइन है दोस्तों। और लाइन 2 जो कि 18 kilometers की मोटेरा टू APMC होने वाली है दोस्तों, और इसमें 16 stations इंक्लूड है दोस्तों, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है दोस्तों। अब नेक्स्ट में चलते हैं, जो है फेज़ 2, जिसका प्लान अप्रूव हो चुका है। और फेज़ 2 की जो लाइन 1 है, जो फेज़ 1 की लाइन 1 को एक्सटेंड कर दी जाने वाली है, और मोटेरा स्टेडियम से
लेकर महात्मा मंदिर तक होगी दोस्तों, जो 22 किलोमीटर की होने वाली है दोस्तों तकरीबन, जिससे 20 स्टेशन इंक्लूड होने वाले हैं इस फेज में। और फेज टू की लाइन 3 जो कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी टू गिफ्ट सिटी तक होने वाली है, जो 5 किलोमीटर की होने वाली है लगभग, और इसमें 2 स्टेशन इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये लाइन 4 लाइन 3 लाइन्स होने वाली है दोस्तों फेज टू और फेज वन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अहमदाबाद मेट्रो भी जल्द से जल्द बन जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 मेगा प्रोजेक्ट देखे गुजरात के, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और मेगा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।